चलिए आइए, एक सेकंड होल्ड ऑन, एक ले लो थोड़ा। कटिंग आइए आइए, अंदर आइए थोड़ा, वन सेकंड। यहाँ रुक दीजिए मैम, मिल गया सबको कि अभी तक म्यूजिक कंपनी डॉक्यूमेंट्स पर काम कर रही थी, अभी उसको एक जगह मिल गई है, सो रियली आई एम सो हैप्पी आई थिंक सर। और थोड़ा सा अगर आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं हमें। या प्रोजेक्ट्स बहुत सारी म्यूजिक एल्बम्स कमिंग एंड बहुत सारी आगे पता चल जाएगा धीरे धीरे। एंड आप क्या कहना चाहेंगे इस नए प्रोडक्शन हाउस को, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले पूरी टीम को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, कंग्रेचुलेशंस मैट जी और आपके साथ जो आपके पार्टनर उनको। बस यही है कि ऊपर वाले इनको नवाजे, जैसे जैसे लोग आगे तरक्की करते हैं ये भी ऐसी तरक्की करें, है ना। म्यूज़िक कंपनी का एक आज की डेट में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि बिना म्यूज़िक के कुछ नहीं बनता, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो सीरियल हो, चाहे वो OTT पे हो, कुछ भी हो, म्यूज़िक का उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। सो मैं चाहता हूँ कि महक जी बहुत अच्छे एल्बम्स बनाए, आगे बढ़ें और सबको साथ लेके चलें। डेफिनेटली जो पोस्टर लगा हुआ है कमिंग सून डार्लिंग, सो वो उसके हीरो हैं, एक्टर हैं, तो सरप्राइज एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था। हैव नो आइडिया बिकॉज आज हमारी बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बोला कि हमारी कंपनी लॉन्च हो रही है तो प्लीज काम, तो मैं आ गया हूँ और मुझे नहीं पता इस चीज़ का। सीरियसली थैंक यू सो मच, ये मेरे लिए एक सरप्राइज है। सो लेट्स सी। मोटो मेरा है कि जो नए टैलेंट हैं, जिनको काम नहीं मिल पा रहा है, जो लिरिक्स राइटर हैं, जो सिंगर हैं, जो कंपोजर हैं, जिनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, तो हमारी म्यूज़िक कंपनी का वही मोटो है कि उनको काम दे पाएँ, एक प्लेटफॉर्म दे पाएँ, उनके टैलेंट को दुनिया के सामने ला पाएँ, तो ये हमारी कंपनी का मोटो है। That's good. नाजिम के ये म्यूजिक कंपनी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो नए लोग हैं उसको बहुत कम मौका मिल पाता है, जैसे आप लोग आपने सुना होगा कि नेपोटिज्म भी बहुत चल रहा है, लेकिन चेंज ऑफ टॉपिक, नेपोटिज्म तो चेंज छोड़ देते हैं अभी, उसके आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम हुई चीज को लेके। जैसे मैक ने बोला अभी कि नए टैलेंट को काम देंगे, चाहे वो राइटर हो या वो सिंगर्स हो या वो म्यूजिक में हो कुछ, तो इंशाल्लाह अगर मैक जी बोल रही है, उनकी खुद ही कंपनी है और खुद के साथ में लोग, उनकी पूरी टीम है, तो मैं बस यही चाहूँगा जैसी उनकी इच्छा है और जैसे उनके इरादे ऊपर वाले उनको सबको पूरा करें, है ना, क्योंकि टैलेंट हर जगह भरा पड़ा है हमारे हिंदुस्तान में, जगह जगह पे टैलेंट है। सो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हम कहीं जाके नए टैलेंट को नई दिशा में लेके जाते हैं तो हम सबका उसमें योगदान होना चाहिए, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हो, चाहे वो मैं। और महक जी आपसे जानना चाहूंगा, जो आपने म्यूजिक वीडियोस लॉन्च किए उसको लेकर किस तरह का रिस्पांस मिला है, अगर थोड़ा सा उस बारे में बताएं। रिस्पांस मुझे काफ़ी अच्छा मिल रहा है, तेरी दीवानी 2, तेरी दीवानी फर्स्ट सेकंड का, एंड उसके सिंगर अमित गुप्ता, एंड रियली काफ़ी मिलियंस क्रॉसेस एंड लोगों को बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत व्यू एंड कमेंट्स एंड लाइक्स, आई एम रियली हैप्पी, और ऐसे ही लोगों का सपोर्ट और प्यार मुझे मिलता रहे तो डेफिनेटली आई विल डू माई बेस्ट। मैं बस यही कंग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ मैक को, पूरी टीम को, कि हम आगे बढ़ें, काम करें, है ना, सब मिलजुल के रहें, तो बेस्ट है इसलिए। ये बेसिकली जो पिछले 4 गाने हमने किए करने के बाद जो हमें रिस्पांस मिला ऑडियंस का, तो हमें ऐसा लगा कि हमें इसे एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए, तो इसलिए हमने एक प्रॉपर फुल फ्लेज एक ऑफिस लिया है जहाँ से हम नए टैलेंट को मौका दे सकते हैं। और लाइन में अभी 3 गाने हैं हमारे जिसके लिए हमारा काम चल रहा है जोर से। एक्सपीरियंस के बारे में 4 गाने हो चुके हैं और अब जब हमने एक स्टेप आगे बढ़ के जब ऑफिस लिया तो आपको समझ में आना चाहिए कि कितना अच्छा कोलैबोरेशन हो चुका है। और सर आने वाले समय में कौन से जॉनर के गाने, कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अगर शेयर करना चाहें?
अभी अपकमिंग में हमने ऑलरेडी एक गाना हरियाणवी गाना रिकॉर्ड हो चुका है, बहुत बेहतरीन सा गाना है, लोगों को शायद बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए। इट्स ए यू कैन से सैड सॉन्ग बट उसके अगर लिरिक्स सुनोगे अगर म्यूजिक सुनोगे तो आपको नाचने का मूड हो जाएगा, जबकि गाना सैड है। एनी बडी एंड एवरी बडी रिलेटेड टू दिस इंडस्ट्री, इसमें लिरिक राइटर हो सकता है, कंपोजिशन हो सकता है, तुम्हारा कोरियोग्राफर हो सकता है, एक्टर्स हो सकते हैं। पहल तो भाई उन्होंने कर दी है, अभी तो आगे काम दिखाना है। अच्छा देखो हमने तो इंजन चालू कर दी, जिसको अपनी ट्रेन में आना है हमारी ट्रेन में जुड़ सकता है, इज ऑलवेज वेलकम। नहीं अभी वेबसाइट हम लॉन्च कर रहे हैं, आज तो हमने ऑफिस लॉन्च किया, मेरे ख्याल से अगले हफ्ते हमारी वेबसाइट भी लॉन्च हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं म्यूजिक बॉक्स को, महक जी को, संतोष जी को और आपको बहुत बहुत बधाई हो। और नहीं नहीं मुझे नहीं, इनकी कंपनी है सर, मैं तो आपके साथ ही हमारे साथ ही हैं फिर भी। और म्यूजिक बॉक्स ऐसे ही बस हमेशा हमेशा के लिए महकता रहे और अच्छे संगीत को प्रमोट करता रहे, यही मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। सर आपका भी कुछ आने वाला कुछ गाना? मेरा गाना अभी महक जी के साथ में, एक संतोष जी के साथ में पहला गाना है जो डार्लिंग करके जी, डार्लिंग कमिंग, तो डार्लिंग हमारा वो बहुत जल्दी आ रहा है। yes. और उम्मीद है कि आप सब लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा और कमाल करेगा वो गाना। कुछ हो जाए सर अगर अभी कर, इतना वो लीक आउट कर नहीं करना चाहते, मेरे वैसे जो रिलीज हो चुके गाने हैं वो मैं सुना देता हूँ, क्योंकि जब ये डार्लिंग आएगा प्रॉपर अभी तो अच्छे से उसको लॉन्च करेंगे। मेरा गाना वो मैं सुना देता हूँ, चन्ना वे, चन्ना वे घर आ जावे, ढोला वे घर आ जावे, तेरिया उड़िका विच मुक चले साजा, ततड़ी दे रोग मुका जावे, चन्ना वे घर आ जावे, ढोला वे घर आ जावे। मेरे जैसे मान लो कि चन्ना भी मेरा इतना बड़ा हिट हुआ था गाना, और भी मेरे गाने बहुत सारे हिट हुए, तो उम्मीद करते हैं कि महक जी के साथ में ऐसे अच्छे अच्छे गाने और लेके आए, कामना करते हैं। महक जी को आज ये बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है, इंडस्ट्री के लिए कि एक अच्छी नई म्यूजिक कंपनी और एक ऑफिस का ओपनिंग हुआ, और इस ऑफिस की ओपनिंग में अब यहाँ पे कितने म्यूजिक वीडियो है या वेब सीरीज है, अच्छे काम होंगे, हम सबको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है, ऐसे नई चीज़ें जब ओपन होती हैं और अपने दोस्त यार अच्छा काम करते हैं तो हम सब उनको सपोर्ट करते हैं। बस यही चाहूँगा कि एक अच्छा यहाँ से काम स्टार्ट हो और हम सबको एक अच्छे जो है लेवल पर काम मिले, म्यूजिक मिले, अच्छे लोगों को काम मिले, बिल्कुल मिले। मैं सबसे पहले महक चौधरी को थैंक्स भी कहूँगा, कॉन्ग्रेचुलेशन भी करूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे एक म्यूज़िक वीडियो डायरेक्ट करने के लिए भी दिया था, मिलके ना मिले, बहुत ही खूबसूरत म्यूज़िक वीडियो वो बना। और महक जो है मुझे एज आर्टिस्ट जो है उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि एज आर्टिस्ट उनका जो जो इमोशंस वो कैप्चर करती हैं, जो इमोशंस को वो जो कनेक्ट करती हैं, उस इमोशंस की वजह से मुझे लगता है कि उन्होंने उस म्यूज़िक वीडियो में भी अच्छा काम किया, और आगे जो हम काम करने वाले उनके साथ एक मिनी सीरीज़ एक वेब सीरीज़ भी करने वाले हैं, तो आई होप कि वो बहुत अच्छा काम करेंगे और ग्रो करेंगे। और म्यूज़िक बॉक्स को भी मैं कांग्रेस कहना चाहूँगा अपनी तरफ। कार्ला जी अपने बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, मैं एक साथ काम कर रहे हैं और काम किया भी इन्होंने, तो ऑलमोस्ट अच्छा काम चलेगा, हम